बट कल रात को जो मेरे को छू छू ट्रेन वाला वो गंदा सा सपना आ रहा था ना, उस सपने ने भाई मेरे को परेशान कर दिया। वो तुम लोगों ने लास्ट फिल्म में देख ही लिया होगा भाई। उस सपने की काट पता मैंने कैसे करी? मैंने थॉमस द ट्रेन का एक एपिसोड देखा। एपिसोड नहीं खैर अभी ना हाल ही में ही ना एक नवी गेम आई है बाय द नेम ऑफ छू छू ट्रेन और समथिंग लाइक दैट। मतलब तुम लोगों को याद होगा थॉमस द इंजन करके एक आया करता था पहले, उसी से रिलेटेड गेम है। वो मॉन्स्टर बन जाता, बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता, तुम ट्रेन में तो तुम उसका पीछा कर, मतलब वो तुम्हारा पीछा करता है, सॉरी तुम मॉन्स्टर का पीछा कैसे कर सकते हो भाई। मैं ना उसकी वीडियोस देख रहा था एंड इट्स काइंड ऑफ अ हॉरर गेम भाई। अभी इट्स ऑलमोस्ट 2:30 इन द मॉर्निंग एंड मेरे को एक बहुत ही गंदा नाइटमेयर आया। बी आई एम अ प्लेयर इन दैट गेम एंड मेरे पीछे थॉमस पड़ा रखा है। एंड मजे की बात पता है क्या? सबसे मजे की बात, हमारे ना घर के आसपास अगर ट्रेन जा रही हो ना, मतलब वैसे तो पटरी बहुत ज़्यादा दूर है बट आवाज़ आ जाती है उस ट्रेन की आवाज और उस सपने की आवाज, दोनों सिंक्रनाइज करी और मेरी फाड़ दी। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। तो बस जैसे ही वो दोनों आवाजें सिंक्रनाइज हुई, मेरे को नाइटमेयर आया, पैनिक अटैक आया, मैंने फटाफट लाइट ऑन करी, पानी पिया एंड उठिए व्लॉग बनाने। हमारी और लाइफ में है ही क्या, व्लॉगर्स की लाइफ में भी उठो व्लॉग बनाओ, उठो व्लॉग बनाओ। तो अभी तो खैर यार 2:30 बज रहे हैं, मैं सुबह से बिना कपड़े डाले, अच्छे कपड़े डाले, मतलब बाहर आ चुका हूँ। बाहर आने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, फटाफट अंदर चलते हैं। आ चल के वी विल ट्राई टू कैच सम स्लीप इफ पॉसिबल, क्योंकि मेरे को तो लगता है मेरे को नींद आने वाली है। तुम लोग पता नहीं इस बात के यकीन करोगे या नहीं, बट कल रात को जो मेरे को छू छू ट्रेन वाला वो गंदा सा सपना आ रहा था ना, उस सपने ने भाई मेरे को परेशान कर दिया। वो तुम लोगों ने लास्ट फिल्म में देख ही लिया होगा भाई। उस सपने की काट पता मैंने कैसे करी? मैंने थॉमस द ट्रेन का एक एपिसोड देखा। एपिसोड नहीं खैर, थोड़ी सी उसके शॉर्ट्स वगैरह देखे एंड ऐसे ही देखा कि वो कितना फनी, कितना खुशहाल था, वो कैसे एक मॉन्स्टर बन सकता है भाई। तब जाके मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई भी, हाँ भाई जैसे कल कंटेम्प्रेरी और कंपार्टमेंट की कंफ्यूजन नहीं होगी थी, वैसे यार इस तरीके से अपने दिमाग को कंफ्यूज करा। बट चलो कोई ना, एनी विच वेज, अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 9:59 इन द मॉर्निंग एंड सिर्फ 1 मिनट रह गया अपना व्लॉग लाइव होने में, सिर्फ 1 मिनट। पता नहीं है कौन सा व्लॉग कर, मैं पहले चेक करके बताता हूँ भी ये जो है अभी हमारा व्लॉग लाइव होएगा कौन सा नंबर होएगा। होय 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 होय, सुबह सुबह की छींक। अभी मैंने चेक करा अंदर से बाहर आते आते भी, ये जो हमारा व्लॉग होएगा ना, जो अभी लाइव हो चुका होएगा, हाँ 10 बज चुके एग्जैक्टली, ये होएगा 668 नंबर, यानी कि जो भी ये शूट हो रहा है ये होएगा 669 एंड सिर्फ ऑलमोस्ट कितने रह गए, 31 ब्लॉग्स रह गए 700 ब्लॉग्स होने में। तो इसी खुशी, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया अपने, न्यू ईयर तो होंगे क्या 700 ब्लॉग? नहीं नहीं न्यू ईयर तो आने वाला है, मेरे दिमाग में मैथ सही तरीके से बैठता नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे बर्थडे के करीब होंगे, 14 जनवरी के करीब। तो मतलब फटाफट अंदर चलते हैं, अंदर चल के अपन लोग अपना बढ़िया तरीके से नहाना धोना निपटाते हैं और तुम लोगों को नहा धो के मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अभी जो है अपन लोगों का नहाना धोना तो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड यस आई एम वेयरिंग द सेम स्वेटशर्ट फॉर द थर्ड डे। ये मतलब तीसरा दिन है जब से मैं वो हिमाचल के सफर से वापस आया हूँ ना, वो टिम्बल ट्रेल वाले मंदिर से, कालका मंदिर से, तब से लेके अभी तक मैं यही स्वेटशर्ट डाल रहा हूँ। अच्छा कल तो मेरा कोई ऐसे जैसे स्वेटशर्ट डालने का प्लान नहीं था, बट यार सीन ऐसा बना भी चलो ये डाल लेते हैं। अब आज थर्सडे था, कपड़े धुल लेने थे तो सोचा चलो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सो थर्ड डे ऑफ वेयरिंग द सेम स्वेटशर्ट, लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भूत मेरे पे भी सवार हो चुका है। यार क्या बोलता रहता हूँ लोग,
बट चलो कोई ना, एनी विच वेज अभी जो है अपन लोगों के लिए यहाँ पे बढ़िया सी शकरकंदी की चाट भी आ चुकी है। वैसे तो ये उबली हुई शकरकंदी है, बट स्टिल इट टेस्ट वेरी गुड। मतलब हल्का सा मीठा है, हल्का सा स्पाइसी है, साथ में सौंठ की चटनी है। अब तो सबसे पहले फटाफट इसको खत्म करते हैं, आराम से टीवी पे किक बटॉस की देखते हैं, क्योंकि अब मैं ना रोटेशन में देख रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे एपिसोड। इसको खत्म करते हैं किक बटॉस की देखते, फिर शायद से अपन लोगों ने मार्केट भी जाना, दो तीन काम निपटाने। वैसे यार सिंसिटाइजेशन मेरे को बड़ी बढ़िया लगती है, मतलब जिस टाइम पे सफाइयाँ शुरू होती है ना उस टाइम पे अपन लोग मनी मार्जे गेड़ा मारने आ जाता है आराम से, पहलवानी गेड़ा। खैर वैसे तो आज अपना टेक्निकली पहलवानी गेड़ा है नहीं, क्योंकि आज अपने को दो तीन काम है। सबसे पहले तो अपन लोगों ने जा रहा है स्टेशनरी शॉप, वहाँ से थोड़े बहुत पेन्स उठाने हैं, और दीदी का थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है वो उठाना है, एंड फिर उसके बाद अपन लोगों ने पता नहीं कहाँ जाना है, लिखा तो था बताया तो था लिस्ट भेजी है। चलो कोई ना, वो तो लोग एज इट इज चलते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टॉप है हम लोगों का स्टेशनरी शॉप, तो फटाफट चलते हैं, चल के पेन वगैरह उठाते हैं। तो फाइनली अभी जो है मम्मी का तो कॉल आ चुका है, घर की सफाई एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब तो मम्मी ने भी ना हार्ट टूट में से एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अगर अपन लोग सफाई के टाइम पे मार्केट से बाहर जा रहे हैं ना, तो तभी वापस आएंगे जब सफाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी। एंड सेकेंडली अभी भी अपन लोगों का मार्केट का काम एकदम बढ़िया तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। कल अपने को ना रोज एसेंस चाहिए था वहां से 26 मंडी से, जिसके लिए अपन लोग इतनी भूलभुलैया में घूम रहे थे, एंड वही चीज अपन लोगों का आज मनी मार्केट में मिलकर अपनी मार्केट में, सो ये भी बहुत बढ़िया चीज हुई। बाकी अपन लोगों ने पेन वगैरह सब कुछ ले लिया, पहलवानी गेड़िया भी एकदम बढ़िया तरीके से मार लिया, तो भी तो फटाफट घर चलते हैं, घर चल के अपना आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि आज मेरे को उम्मीद है ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आज अपन लोग बिल्कुल फ्री है, एंड शायद से ब्रेकफास्ट करने के बाद अपन लोग जॉन विक भी देखेंगे, शायद से पता नहीं लेकिन चांसेस है। सो मार्केट का काम निपटा के अपन लोग घर तो वापस आ चुके हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी जो है हमारा और हमारे ब्रेकफास्ट का आमना सामना भी हो चुका है। वह तो बहुत लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं आएगी, बट भाई मेरी ये फेवरेट दाल है, ये चने की दाल है जिसमें पालक भी डल रखा है, मतलब बोलो इसका टेस्ट इतना ज्यादा बम होता है, इतना ज्यादा कहने की याद नहीं, साथ में दही एंड ये परौठी। तो ये होने वाला मैं आज का ब्रेकफास्ट, मूवी भी डिसाइडेड है अपनी जॉन विक पार्ट टू, तो फटाफट इसको खत्म करते हैं, आराम से मूवी देखते हैं, एंड तुम लोगों को नेक्स्ट फ्रेम में मिलते हैं, तब तक के लिए लंबी सारी बाय बाय। वैसे इतनी ठंड में खुद के ही गले खराब को न्योता देना कितना अच्छा लगता है, मतलब अभी ना ऑलमोस्ट शाम के 4:30 बज रहे हैं, एंड 4:30 के हिसाब से भाई चीज कर पा, धूप काफी ऊपर नहीं होगी, और जनरली 4:30 के करीब यहाँ पे होती है तो खाली वहाँ पे पहुंच जाती है। विंटर का असर बाबू भैया, विंटर का असर। एंड अभी वैसे तो अपन लोगों का प्लान मूवी देखने का था, बट वो प्लान ड्रॉप हुआ, तो मैंने फैमिली का एक एपिसोड लपेट लिए, मतलब दो मेरे पेंडिंग थे सीजन 21 में से, वो दोनों देख लिए। एंड अभी ना मेरे सामने बहुत सारी कीड़ियाँ चल रही हैं, इनको भी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, क्योंकि इसमें मीठा होता है, क्या पता पी ले, क्या पता इनका दिन बच जाए, लेकिन ठंडी है, कभी इनका छोटा सा गला ना खराब हो जाए। ये देखो तुम लोग ना अभी ये चलते हुए देख रहे होंगे काफी सारी, अपन लोग ना एक ड्रॉप रख देते हैं एंड वेट करते हैं इस पे आती है नहीं आती, कोल्ड ड्रिंक की ड्रॉप पे फोकस कर रही है, यार आ तो गई, इनको महसूस तो हो गया अभी कुछ है यहाँ पे, अब पता नहीं आएंगी इस पे नहीं आएंगी वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अपन लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके देखते हैं। अभी तो सिर्फ यहाँ पे 3 ही आई हैं, मतलब मेरे को ऐसे इन चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, इतना ज्यादा कहने की याद नहीं, मेरे को अभी भी याद है जब मेरे एग्जाम चल रहे थे तब मैं ऐसी की चींटियों के साथ एक्सपेरिमेंट करा करता था एग्जाम हॉल के बाहर, क्योंकि तब मैं एग्जाम टाइमिंग से 1 घंटे पहले चले जाया करता था, एंड ऐसी वहां पे कभी लॉलीपॉप रख देनी कभी कोई, अभी तो 3 भाग गई, मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी सी और डाल देनी चाहिए। हाँ ये लो ऐश करो, बस ठीक है, इनका तो दिन बन गया भाई साहब। ये देखो भाई साहब, मैंने कहा था ना इनकी चांदी हो जाएगी,
कितनी ही सारी एंट्स इकट्ठा होगी, कितनी मतलब बहुत ही सारी एंट अभी धीरे धीरे और आती रहेंगी और सारी लिमका पी जाएंगी, बस इनके छोटे छोटे से गले ना खराब हो जाए सर्दियों में। लेकिन ठीक है, पता नहीं इनके गले गले तो होती होंगे यार ऑब्वियसली, लेकिन यार बढ़िया लगते हैं मेरे को ऐसे छोटे मोटे जीव ना। क्या अभी तक सीन कुछ इस प्रकार है, अभी दीदी ने अपने तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, मैंने अभी तक सही तरीके से शुरुआत भी नहीं करी, सिर्फ एक पीपीटी सी बना के मैं चौड़ा हो रहा हूँ, बट दीदी ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड अभी अपन लोगों ने वही बाइंड कराने जाना है। ज़्यादा दूर नहीं, अपनी ये लोकल मार्केट में ही है बाइंडिंग वाले भैया, एंड मेरा ट्राइपॉड गिर रहा है मेरी जेब से और ये मैं पजामा से क्यों डाल के आया हूँ शर्ट के साथ, तो फटाफट चलते हैं बाइंड कराया तो ट्राइपॉड सबसे पहले दीदी को देते हैं क्योंकि अपन इसको कहाँ संभालते फिरेंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलो जी फाइनली यहाँ से अपन लोगों ने स्पाइडर ब्राइंड करा लेते हैं, वो तो हो लिए हैं एंड वैसे तो प्रेफरेंस इसमें रेड या ब्लैक कलर की थी बट उनके पास ग्रीन के सिवा और कोई अवेलेबल था नहीं, तो हमने कहा ठीक है भाई ग्रीन भी चालू चल जाएगा। लिया सही में है, मैं फ्रंट पेज नहीं दिखा सकता बट दीदी ने जो प्रैक्टिकल प्राइस बनाई है, मैं दीदी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी भी आप ही बना दो, बट कहाँ ही मानेंगे यार वो बिजी बनते हैं भाई। वैसे सही बता रहा हूँ, फाइलें देख के मजा आ गया, जितनी अच्छी मेरी फाइलें बने ना मैं तो साले एग्जाम्स की टेंशन ही ना लूँ, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल, मैडम प्रैक्टिकल के नंबर दे दो, मतलब मैं सिर्फ 5 पेजों के प्रैक्टिकल बनाता हूँ एंड उसमें भी ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं, बट ये तो टॉपर्स की फाइल है। बट चलो कोई ना, अभी अपन लोगों का यहाँ का तो काम हो चुका है, अब फटाफट अपने घर वहाँ को है, वहाँ से अपन लोगों ने लेफ्ट लेना है फिर राइट फिर लेफ्ट और अपना घर आ जाएगा, तो फटाफट घर चलते हैं, फिर घर चल के मम्मी से दरख्वास्त करते हैं कि सूप पिला दे अपने को गर्मा गर्मा दोबारा से। मौसम है बड़ा कातिल, हो जाए ना कहीं आवारा दिल। सर्दियों की ना ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगती है, एक तो सनराइज दूसरा सनसेट दोनों इतने प्यारे होते हैं ना, इतने प्यारे कहने की हद नहीं। बट चलो कोई ना, इन विच वेज अभी तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5:47 इन द इवनिंग एंड अभी जो आप लोगों के पास दिखाने कुछ नहीं बचा, तुम लोगों के पास देखने कुछ नहीं बचा, तो इस नोट पर करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करता हूं तुमको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सपीरियंस के साथ, टिल देन बाय बाय पीस आउट लव यू ऑल एंड सुपर प्लान अपन लोगों ने इससे ड्रॉप कर दिया, किसी का पीने का मन नहीं था एंड ये विंडो अपन लोग बंद कर देते हैं, रात को ठंडी लगेगी और पुंडी भी चार्जिंग पे लगा देते हैं।